नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। आज मेरे साथ हैं सुरेश कुमार जी हर्ष और मैं श्यामवीर सिंह। हम जो हमारे दर्शक हैं, आज मैं आपको एक तो बधाई दे रहा हूं कि हमारी नई सरकार आज गठित हो गई है और उसने कार्यभार संभाल लिया है। आज हम बात करते हैं नई सरकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं। तो सुरेश जी, नई सरकार तो बन गई, पहले तो हम बधाई दे देते हैं आपको भी और हमारे राजस्थान के वासियों ने। एक सरकार जो उम्मीद की है इस सरकार से, क्या उस पर ये हमारी सरकार अशोक गहलोत सरकार खरी उतर पाएगी कि नहीं, आप थोड़ा सा इस पर बताइए। श्याम जी, पहले तो अशोक जी गहलोत को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। वह तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बन रहे राजस्थान के, दूसरे में जनप्रिय है और तीसरे में एक सबसे बड़ी बात है कि ये संभाग से है, जिस संभाग से हमारा ये चैनल लाइव जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक रिकॉर्ड भी बना दिया आज अशोक गहलोत ने, तीसरी बार शायद कोई नहीं बन पाया है ना, तो इसलिए हम उनको विशेष बधाई दे रहे हैं। और पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ का विकास वह बहुत करेंगे। समस्याओं का तो अंबार लगा है श्यामवीर जी। अगर हम सबसे बड़ी समस्या चुनौती आज की तारीख में बात करें तो आपको कौन सी लगती है, सरकार के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? श्याम जी, वैसे तो हम जो हमारे चैनल से जो भी हम आज अपनी चौपाल में जो डिस्कस कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, उसके नजरिए से अगर मैं बात कहूँ तो हो सकती बहुत बड़ी भी हो जाए, लेकिन बड़ी नहीं है एक, मैं कहूँगा वह सटीक ही बात होनी चाहिए कि जितना भी लोग कह रहे हैं राहुल को एक परिपक्व नेता मान रहे हैं, चूंकि यह जो सरकारें आई है इसमें करीब करीब हम चले जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो 4 लाख से बाहर की तरफ मध्य प्रदेश में नोटा बिल्कुल, और 5 लाख से ऊपर राजस्थान में नोटा। तो यह नोटा है खेल, इसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो खुशफहमी पाले हुए कांग्रेस के हमारे को वोट लोगों ने समर्थन दिया, ऐसा नहीं है, अगर नोटा में नहीं जाता ये वोट तो बीजेपी भी आ सकती थी, ज्यादा बीजेपी का परसेंटेज वोटर्स आज भी कांग्रेस से परसेंटेज में ज्यादा है। लेकिन तो नोटा का जो प्रभाव पड़ा है वहां पर कहीं 1500 से कहीं 2000 से कोई कम से अंतराल से, का भी अंतर बहुत कम, हार का अंतर बहुत ही कम रहा है, इसलिए बीजेपी को हम माने के एकदम आउट ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि सरकारें बन जाती है तो हम बधाई तो अशोक जी को दे चुके हैं। लेकिन जो राहुल जी ने वादा किया, आपने जो कहा कि सबसे बड़ी समस्या, पहली सबसे चुनौती सरकार के सामने, चुनौती भी कह सकते हैं, और मैंने पहले कहा था कि लोग कहते हैं राहुल जी को परिपक्व मानते हैं, वह भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के लीडर है, लेकिन उन्होंने जो वादा किया है कि आप 10 दिन गिन लीजिए, आप गिनती से 10 दिन कीजिए, तो यह बात शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको यह पचेगी नहीं। ठीक है, किसान है, किसानों ने कर्ज लेके रखा है, कई किसान है जो बिल्कुल गरीब अवस्था में है, वहां तो यह बात ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा किसान है या व्यापारी वर्ग है वह इस बात को पचा नहीं पा रहा है। लेकिन सुरेश जी, जिस अंदाज में राहुल ने ये वादा किया था कि आप दिन गिन लो, एक सरकार बनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में दिन आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, तो लोग तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और शायद वोट भी कर दिया उन्होंने, सरकार बन गई, अब तो वो 10 दिन गिनेगा ना किसान जिनके कर्जे में डूबे हुए हैं, कई प्रदेशों में तो आत्महत्याएं तक कर रहे हैं, हालांकि हमारा प्रदेश बचा हुआ है अभी तक, ऐसा नहीं है। तो कर्जा, अगर हम टोटल कर्जे की बात करें किसानों के ऊपर जो माफ करने योग्य है, वो कहते हैं कि लगभग 99,000 करोड़, लगभग 1,00,000 करोड़ का कर्जा है। श्याम जी, बड़ी राशि है। श्याम जी, मैं आपकी बात को बीच में थोड़ा मैं आपको बात कहूंगा कि ये जो आंकड़े जो आपने दिखाए हैं यह किसान नहीं जानता है, किसान कर्जा माफी चाहता है। अब कर्जा माफी कैसे होगा, सरकार बनती है उसके बाद मंत्रियों को पद दिए जाते हैं, मंत्री कौन खुश होगा कौन ना खुश होगा, तो उसमें लग जाएगा 20-25 दिन, और राहुल गांधी जी ने एक चुनौती भरा कहा है 1, 2, 3, 4 और 10 दिन गिनिए आप, तो क्या यह संभव? मेरे नजरिए से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, मुझे असंभव सा लग रहा है। चलिए, उन्होंने वादा कर दिया, अब लोग तो चाहेंगे ना। अब बात आती है, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट कर्जा माफ करे तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के पास इतना, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि अगर पैसा होता इनके पास इतना, तो हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं।
पहली बात करें रिफाइनरी, जिसकी घोषणा अशोक गहलोत के समय हुई थी, नींव भी रखे गए थे, 400 करोड़ भी रिलीज किए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है वहां पर उस प्रोजेक्ट का, और उसके लिए 55,000 करोड़ की जरूरत है। तो वो भी प्रोजेक्ट, उसमें तो 20-25% लगाना था सरकार को, बाकी तो हमारी जो ऑयल कंपनियां वो दे रही थी, लेकिन वो भी अधूरा पड़ा है। तो 99,000 करोड़ का कर्जा एकदम से माफ करना असंभव सा है। अगर सरकार केंद्र के पाले में यही बात डाल दे और केंद्र से पैकेज की मांग करे तो केंद्र सरकार देने में असमर्थ है, क्योंकि जो कर्जे माफ हुए हैं दूसरे राज्यों में, चाहे तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की या फिर महाराष्ट्र की, वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खाते से पैसा दिया है। और बैंक को तो पैसा दो सरकार, तभी वो किसानों का कर्जा माफ करेगी, नहीं तो बैंक वाले पैसा नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार आई है, जुमा जुमा अभी 4 रोज भी नहीं हुए, आज बनी है सरकार, आज बनी है, अभी आज ही शपथ लिया है, आज ही हमने चौपाल बिठा दिया है इस बात पर। तो केंद्र से पैसा मांगना तो जायज बात भी नहीं है, अगर मांगते तो कुछ समय होता, चूंकि हम सरकार को लाए इसी बेस पे है कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, तो कर्जा जब आप माफ करने के लिए लाए हो तो आपके पास क्या एजेंडा है? चूंकि अशोक जी गहलोत के पास जब हमारे पत्रकार बंधु जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हम सब समस्याओं का समाधान कर देंगे, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा भी है, अगर आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में कहा है, अगर इन्होंने नहीं किया तो किसान फिर छोड़ेगा नहीं, लेकिन यह एक सरकार लाने का एजेंडा था, सरकार आ चुकी है, अब किसान और ये जो सामने की जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यह एक मुद्दा लेके बैठ गई। हाँ वो तो कह रहे हैं 10 दिन के बाद हम आंदोलन करेंगे, बीजेपी सरकार ने अभी से पत्रकारों ने तो समझ लो कि आंदोलन कर ही दिया। अब देखिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई सरकार के सामने, और दूसरी दूसरी चुनौती जो सरकार के सामने होगी वो सचिन पायलट को लेकर भी एक इतनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि जो विधायक थे सचिन पायलट के समर्थन में वो शांत नहीं हुए अभी तक, और ये अगले चुनाव में इसका खामियाजा ना सरकार को ये भुगतना पड़ सकता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो जो फार्मूला निकाला है उन्होंने उप मुख्यमंत्री का, इससे भी वहां की जो सचिन पायलट के समर्थक थे उनको पूरी उम्मीद थी कि सचिन पायलट ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि 5 साल में इतनी मेहनत की थी उन्होंने, कहीं अंदेशा नहीं था अशोक गहलोत आएंगे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कल ही पत्रकारों के बीच में अशोक जी गहलोत ने एक बहुत बड़ी बात की, किसी पत्रकार ने पूछा यह जो हो हल्ला हो रहा है सीएम के लिए, उन्होंने कहा यह कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, यह जो भी हो हल्ला कर रहे हैं अगर इसके पीछे तह में जाए या जांच की जाए तो यह कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, यह तो एक हो सकता है कि लोगों को एक रिझाने की बात हो सकती है। चूंकि सचिन पायलट के लिए लोग दिल्ली में गए, उनके बारे में यहां तक कहा गया कि हम उनके गांव से आए, यानी कि वह नोएडा के पास से कुछ लोग थे, तो इस बात को पचाना भी थोड़ा असमंजस की स्थिति है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, पार्टी की बात है, पार्टी में किसको सीएम का दावेदारी करनी है किसको नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोग जो समर्थक थे पायलट के, उन्होंने रेल को रोकना चाहा, तो वह मैसेज जो गया है वह एक गलत गया है। इसके परिणाम जैसे आप कह रहे हो सकता है कि सरकार चलने में या मंत्रियों के पद देने में सचिन पायलट अपने व्यक्तियों को तवज्जो ज्यादा दे, अशोक जी ज्यादा दे, तो हो सकता है कि सरकार चलने में कहीं कठिनाई आ सकती है और सीएम की दावेदारी कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ नया मोड न ले ले। अभी तो यहाँ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई अंदरूनी ऐसा समझौता हुआ है कि अगर केंद्र में सरकार आ गई तो हो सकता है अशोक गहलोत जी को केंद्र में लेके चले जाएं और इनको सचिन पायलट उनको मुख्यमंत्री बना दिया? मैं आपकी बात से एक मत रख भी दूं कि आपकी बात से मैं सहमत हो जाऊं, लेकिन केंद्र में सरकार आएगी, अशोक जी गहलोत को वहां ले जाया जाएगा, यह राजस्थान है, यहाँ एक बहुत बड़े कह सकते हैं राजस्थान के अंदर कई पार्ट चलते हैं, मेवात, पश्चिमी राजस्थान का ये, तो पश्चिमी राजस्थान एक पावरफुल है राजनीति में, एकीकरण में उस तरफ जाते हैं हम, तब हमें यहाँ तो सिर्फ देखा जाए तो जाट और राजपूत दो ही विशेष वर्ग है, लेकिन जब हम राजस्थान के उस तरफ जाते हैं तो वहाँ मीणा है, गुजर है, यादव है, अन्य भी कई ऐसे बड़े बड़े दबंग नेता है, तो इस राजस्थान को संभालने की अगर किसी के पास कुवत है तो शायद अशोक जी गहलोत के पास ही है। अगर ऐसा हुआ
तो शायद कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो किसानों से जुड़े रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या है? किसानों के पास आर्थिक स्थिति वास्तव में खराब है, कर्जे माफ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए लास्ट में अंत में? ये श्याम जी, कर्जे माफ होने चाहिए लेकिन उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का कहने का मतलब है, हम हकीकत में हम कब जाएंगे जहां लोगों के पास खेती नहीं है, वह अपना जो रिटर्न भर रहे हैं उसमें अपनी कृषि की आय बता रहे हैं, क्या वह इस कर्जे को माफी की हकदार है? या जिन्होंने बहुत बड़े लोन लेके रखे हैं एग्रीकल्चर पर, 50 लाख का, 20 लाख का या उससे आगे का, तो वह इस दायरे में आते या नहीं आते? हमें इसलिए एक बड़ा ही हमें तो क्या सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार को एक बहुत ही नीचे के तबके के पास जाकर के और इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। छोटे से छोटा जो किसान है जिसकी ही माफी होनी चाहिए, जो ये बड़े किसान है इनकी माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास तो लाखों और करोड़ों के ऋण लिए हैं और उसके बाद इनकी तो कई अन्य भी काम है। और यह जहां हम देखते हैं आजकल लेखा, जो अब तो केंद्र सरकार ने कई ऐसे नियम बदल दिए जिससे एग्रीकल्चर में जो छूट मिलती थी वह पारदर्शिता आने से बंद हो गई है, वरना तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लोगों ने एक बहुत बड़ा जाल बिछा के रखा। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बड़े किसानों के कर्जे, वो खुद 2 नंबर का पैसा किसान खेती में दिखाकर 1 नंबर का उनका कर्जा माफ नहीं, छोटे मझोले जो वास्तव में गरीब किसान है, खेती कम है, कर्जा लेके, उनका माफ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि राहुल गांधी ने चुनाव के समय ऐसा कोई शर्त नहीं बताई कि हम छोटे और मझोले जिनको जरूरत है उन्हीं किसानों के कर्जे माफ, ये बड़ी समस्या हो सकती है सरकार के सामने। तो दोस्तों, हमने बात की कि सरकार जो बन गई है उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां क्या हैं, तो चर्चा इतनी चुनौतियां हैं कि हम चर्चा करने बैठ जाएं तो 1-2 घंटा निकल जाएगा। तो आज हमने कुछ छोटी सी चुनौतियों की बात की है, जिसमें कर्ज माफी की है और वैसे दूसरी पेयजल समस्या, एजुकेशन का समस्या, सड़कों की, ये तो चल ही रही है। दूसरा रोजगारी, बेरोजगारी यहाँ पर कितनी है, तो राहुल गांधी चिल्लाते रहते थे हर समय कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, अब देखेंगे कितना कांग्रेस दे पाती है। और करना भी चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट को कि जितना हो सके इस प्रदेश की भलाई करे, और यहाँ अब सरकार बन गई उनके हाथ में है, तो बीजेपी की सरकार जो नहीं कर पाई है वो ये करें, यही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं, लेकिन माला तो अभी जय के गले में आ चुकी है, लेकिन सफर बहुत लंबा है। हम उम्मीद करेंगे अशोक जी गहलोत इस समस्त समस्याओं को निपटाते हुए 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल बहुत ही अच्छे से, सक्षम भी है वो, बिल्कुल सक्षम है, और सचिन जी अभी तक सहयोग करेंगे, उनका सहयोग तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जब हाईकमान है उनको। तो दोस्तों, हमने अभी बातचीत की किसानों के बारे में और सरकार की जो हमारे राहुल जी ने जो वादे किए हैं, अब ये पूरे कैसे होंगे फिर देखेंगे, उसके बाद फिर समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।